बिहार ने एक मिसाल पेश की है, मिसाल के तहत और राज्यों में भी जो है इसकी मांग जो है बढ़ रही है। जो गरीब जो है शिक्षा से वंचित है, चिकित्सा से वंचित है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। लेकिन आप लोग जान रहे कितना अड़चन बीजेपी वाला लोग डाल रहा है इस चीज को लेकर। जनगणना के बाद क्या बिहार की राजनीति की दिशा और दशा बदलेगी कुछ आपको लगता है? देश की और ये तो इंडिया अलायंस जो है लगातार मांग भी कर रहा है कि भाई जातीय जनगणना जो है पूरे देश में होना चाहिए। और बिहार के बाद जब आंकड़े जब सामने आए तो बिहार ने एक मिसाल पेश की है और उस मिसाल के तहत और राज्यों में भी जो है इसकी मांग जो है बढ़ रही है। अब तो जहां भी चुनाव हो रहा है इसकी बात जो है हो रही है, तो ये अच्छी बात है। साइंटिफिक डेटा होना चाहिए, इससे सारी चीज़ें जो गरीब तबका जो है, जो भूमिहीन है, जो कचरा साफ करने वाले लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो खुद का जो गरीब जो है शिक्षा से वंचित है, चिकित्सा से वंचित है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। तो उसी हिसाब से सरकार को उनके लिए योजनाओं बनाने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो इससे किसी का नुकसान थोड़ी ना, ये तो बिहार हित में हुआ है और देश में होगा तो देश हित में होगा। लेकिन आप लोग जान रहे कितना अड़चन बीजेपी वाला लोग डाल रहा है।